तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चौकी धानी में। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए ये मेन गेट है दोस्तों। सो गाइस ये है टिकट काउंटर, टिकट ले लिया हमने, हम एंट्री कर रहे हैं। सो गाइस हमने जो है टिकट ले ली है, वो टिकट आई है 900 रुपीज की। दो टिकट थी, एक है 900, एक है 1100, एक है 1500। तीन टिकट्स है, ठीक है। तो हमने 900 वाली ली है, वो भी सही है। सब में कुछ नहीं, बस दो तीन डिफरेंट ही था, तो हमें ये सही लगी, तो हमने वही ली है। एंट्री ले लिया हमने। आइए दर्शकों, हम आपको अपना गांव घुमाते हैं। देखिए गाइस, ये पूरा गांव जैसा फील देने के लिए उन्होंने पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लाल टैन वगैरह लगा रखे। हाँ जी बताइए, कुछ कह रहे हो हमें इन्फॉर्मेशन। प्रिया जी डांस करके दिखाएंगे यहाँ पे, प्रिया जी डांस दिखाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तो हम थोड़ा सा चले थे और थक चुके हैं। कहाँ जाएं, क्या देखें, इतना कुछ है यार। तो हम थक के थोड़ा सा बैठ चुके हैं, ये भी अलग ही फीलिंग है। और यहाँ पे पीछे फोक म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है, दिखाते हैं, चलो यहीं चलते हैं। सो गाइस अब आ चुके हैं यहाँ पे, बोटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दिखाते हैं, देखो फिर एक भाग भाग के जा रही है। तो यहाँ पे छोटी सी लेक सी बना रखी है बोटिंग के लिए। थोड़ा पास आ जाइए दोस्तों। तो दर्शकों हम इतने अच्छे जगह बैठे हुए हैं, देसी खाट है, पीछे सारे स्टॉल्स बने हुए हैं, सारे राज्य के इंडिया के। जैसे गाँव में घर होते हैं, वैसे एक विलेज और बनाया हुआ है यहाँ पे अलग अलग। और मैं तो डर भी गया इनको देख के, हर एक घर के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बैठा हुआ है या स्टैचूज बना रखे हैं। और ये देखिए राजस्थान की रेत। और आगे जाते हुए प्रिया हमें रास्ता दिखाते हुए। सो गाइस मेरे पीछे हैं रियल खेत, यहाँ पे पीछे रियल खेत हैं। और यहाँ पे है गेर, देखिए गाय बंधी हुई है, गौ माता की विजय गौशाला है पीछे।
बेटा ऐसे करके दोनों हाथों से परोठा पीट नीचे से उठा, एक साथ उठा ऊपर। ये बन गई सिंधु घटनी की। ये मजा आया। सिंदूर रखने की डिब्बी बनाई है प्रिया ने। प्रिया कहाँ के जा रहे हो? मुझे भूल भुलैया। चलो हम देखते हैं कि तुम भूलते हो या मैं भूलता हूँ रास्ता। लेख हो गए हम तो भाई, किधर रास्ता है? ओ भाई गलत आ गया। मोटे कहाँ है? आवाज आ रही है? फॉलो कर लो मेरी आवाज को। मैं तो वापस आ गया, इधर से गई थी प्रिया। एक और प्लेस में आ चुके हैं ये देखिए, नाउ इन दुबई। तो ये मार्केट है, अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अलग अलग स्टॉल्स बनी हुई हैं, इसको कह सकते हैं हम चौपाल बना रखे हैं इन्होंने। ज्वेलरीज के लिए अलग शॉप है, सिंगरी वगैरह के लिए अलग है, राइस राइटिंग के लिए अलग है, ऐसे अलग अलग शॉप बना रखे हैं इन्होंने। तो मैं लग रहा है मैं प्रिया को लग लिया है यहाँ पे। प्रिया इधर से आओ, इधर से घूमते हुए चलेंगे, ये रास्ता है। देखा ही यहाँ पे पूरा कुंड जैसा बना रखा है, और यहाँ पे जैसे कि अलग अलग, जैसे कि कुंड के पास जो घाट होते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है तो वो दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप। जैसे ही मैंने आपको घाट दिखाया, अब हम अलग जा रहे हैं। ये देखनी पथ का जो युद्ध हुआ था वहाँ जा रहे हैं। श्री तिरुपति बालाजी, अच्छा राम राम सा। देखिए भाई पूरा युद्ध दर्शाया गया है यहाँ पे कैसे हुआ होगा। तो पूरा स्टैचू देखिए, यहाँ पे हाथी घोड़े देखिए, महाराणा प्रताप जी का पूरा देखो सीन कितना अच्छा सा क्रिएट किया गया है। देखिए गाइस महाराणा प्रताप जी का। मैं बोल के रानी है तेज की मारना जोर से, बस चलाओ जी, मारो मारो जी। सो गाइस अब घूमते घूमते थोड़ा थक गए थे, अब हम आए डिनर करने के लिए, अब एंट्री लेंगे। प्रिया अपने सूज उतारी, मैंने तो उतार दिए, अब अंदर चल रहे हैं खाना खाने के लिए। सो गाइस हाथ हमने धो लिए हैं, अब चलो डिनर के लिए। सो गाइस यहाँ पे जो डिनर आएगा वो ऐसे पूरा सागरी है, देसी स्टाइल में आने वाला है, राजस्थान का बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में। हम फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं तो। ये मक्खन है, देखिए अभी मक्का बेजन की रोटी आई है। प्रिया कैसा लग रहा है ऐसे बैठ के खाना खाने में? नहीं ये देखिए गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। ये टिकट में इंक्लूडेड होती है डिनर का, तो मस्त है। देखिए हमारे पास आ गई चटनी, दो सब्जियां और ये है मक्खन, बाकी खाना हमारा लग रहा है। यहाँ पे सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दाल पकौड़ी हरी चटनी के साथ। हाँ जी आपकी थाली सज रही है, क्या कहना चाहोगे? बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। प्रिया का बहुत ज़्यादा ड्रीम था चौकीधानी जाना, चौकीधानी जाना है। दोनों फॉलो ऑल दिया है हम चौकीधानी। मेथी पालक। हाँ जी ये मैं अपने पति को मक्खन लगा रही हूँ, मेरे को नहीं रोटी में, बाटी दाल के साथ। और गाइस मेरी जो है प्लेट पूरी सज चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस पूरी राजस्थानी हमारी प्लेट लग चुकी है,
इसके नीचे भी कुछ है आइटम, बाकी भी अपने भी खिलाओ सेठानी को एक बार और। बहुत कमजोर कर रखी है सेठानी को, खिलाती नहीं है आप। खिलाया करो, थोड़ा ताजा करो इसको। ये सो गाइस, हमने खाना खा चुका है और बाहर आए हैं। कैसा लगा प्रिया खाना? हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाया और खाने खिलाने का जो तरीका था वो ज़्यादा अच्छा था, खाने खाने का तरीका जो था, इसलिए हमने ज़्यादा खा भी लिया। फिर वो बोले थे सेठानी, मुझे बोले थे सेठ जी। अच्छा वैसे ऐसे सेठ सेठानी बोल के उनको बाद में बख्शीश भी दी। हाँ दी भी, बख्शीश भी दी हमने। देखिए गाइस, बचपन का गेम। कैसा लगा इतने दिनों बाद खेल खेल कर? अरे हाँ, नहीं नैनीताल, नैनीताल खाना खा लिया अब मालिक सोने। आओ चंपी मालिश करो, कैसा लग रही है? कमर दर्द हो रहा था ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, तो गाइस हम अपने होटल आ चुके हैं चौकीदानी से और बहुत ज़्यादा मस्ती करी, खाना खाया, वो में एक्टिविटी करी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये जो है यहाँ से 25-28 किलोमीटर पड़ता है जयपुर से, तो अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे तो आप अपने व्हीकल से जाएँ तो अच्छा, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी से गया था, तो अगर वैसे जाओगे तो आपको चार्ज ज़्यादा पड़ेगा, महंगा हो सकता है आना जाना। तो गाइस और मेरे इस ब्लॉग में बनी रहिए, आगे भी एक्सप्लोर करेंगे जयपुर, अभी मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।